दोस्तों आज दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में जो मैच हुआ, इस मैच के आखिरी ओवर आईपीएल नहीं, टी20 नहीं, क्रिकेट के इतिहास में शायद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, बात है एक नो बॉल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए था 6 बॉल में 36 रन जीतने के लिए, मतलब हर एक बॉल में एक छक्का। रॉबमैन पावल थे स्ट्राइक पे बैटिंग कर रहे थे और ओबेड मैकॉय बॉल कर रहे थे। फॉरेस्ट स्ट्रेंज पहला 3 बॉल ही हो गया छक्का, लेकिन दोस्तों तीसरा बॉल जो छक्का हुआ वो छक्का कमर की हाइट के ऊपर था बॉल, तो इस बॉल में नो बॉल होना चाहिए था, हम सबको ही दिख रहा था, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर उसको नो बॉल नहीं दिया। तो दिल्ली कैपिटल्स के डगआउट में खड़े सब लोग कह रहे थे ये नो बॉल था, या फिर आप थर्ड अंपायर को ये रेफर कीजिए, कोच, बॉलिंग कोच, हेड कोच, वो सब कोच ही कह रहे थे कि रेफर किया जाए। और वहां पर पिच में जो थे कुलदीप यादव और रॉबमैन पावल, वे लोग खड़े थे कि क्या करे, और इस बीच क्या कर दिया, ऋषभ पंत ने वापस बुला लिया कि वापस आ जाओ, हम लोग नहीं खेलने वाले हैं, हम लोग नहीं खेलेंगे, जो कि एकदम ही गलत था। ये क्रिकेट है, फुटबॉल नहीं है कि वापस आ जाओ। सिर्फ डिक्लेयर देते समय टेस्ट क्रिकेट में ऐसा हो सकता है, लेकिन क्रिकेट इतिहास में ऐसा कभी हम लोग देखे नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद और एक बात हुआ कि कोई भी खिलाड़ी नहीं, एक कोचिंग स्टाफ यानी असिस्टेंट कोच प्रवीण आमरे, उनको भेज दिया गया मैदान के अंदर कि आप उनको बुला के लाओ, मतलब दिल्ली कैपिटल्स के जो दो बैट्समैन हैं उन दोनों को बुला के लाओ, हम लोग नहीं खेलने वाले हैं, या फिर वहां पर जाकर आप कहो कि ये नो बॉल दी, या फिर थर्ड अंपायर के पास डिसीजन दे। तो थर्ड अंपायर वापस भेज दिया प्रवीण आमरे को, ये डिसीजन नहीं चेंज होगा, ये कह के अंपायर रॉबमैन पावल को भी बता दिया कि आप लोग जाओगे तो ये खराब दिखेगा, तो कोई गया ही नहीं और वापस से मैच स्टार्ट हुआ। लेकिन दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स में ऋषभ पंत जो कि कप्तान है, उनका नाखुशी थ्रू आउट दिखा और कमेंटेटर्स भी कह रहे थे ये एकदम ही उचित नहीं हुआ, जो हो रहा है एकदम ही ठीक हो ही नहीं रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये ठीक था या गलत, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कहता है। दोस्तों मुझे इंतजार करते आपके मिले बेटे कॉमेंट।